अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी लोगों के रोजगार की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और वे अमेरिकी लोगों की जगह विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखे जाने की अनुमति नहीं देंगे। गुरुवार को आयोवा में अपने समर्थकों के बीच ट्रंप ने साफ कर दिया कि जनवरी में कामकाज संभालते हुए उनकी प्राथमिकताओं में H-1B वीजा को लेकर कड़ा रुख अपनाना शामिल होगा। इस दौरान ट्रंप ने डिज्नी वर्ल्ड समेत अन्य अमेरिकी कंपनियों का स्पष्ट जिक्र करते हुए कहा कि इन कंपनियों ने अमेरिकी कर्मियों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह भारतीय समेत N-1B वीजा धारकों को भर्ती किया, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। हजारों समर्थकों के बीच ट्रंप ने कहा कि हर एक अमेरिकी की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए वे लड़ेंगे। आपको बता दें कि H-1B वीजा नियमों में बदलाव किए जाने से करीब 86,000 भारतीयों की नौकरियां प्रभावित होंगी। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां अमेरिका में H-1B वीजा के जरिए बड़े पैमाने पर भारत से कर्मचारियों को ले जाती रही है। ऐसे में हर साल नौकरी के लिए काफी संख्या में भारतीय अमेरिका जाते हैं, जबकि 20 से 21 हजार अमेरिका के विश्वविद्यालयों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांस डिग्रियां लेने जाते हैं। ट्रंप के नए कदम से अमेरिका में भारत से जाने वाले इंजीनियरों पर काफी हद तक कमी आ सकती है। वहीं आयोवा में ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के लिए भी कुछ फरमान जारी किए हैं। अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी कंपनियां अगर दूसरे देशों में प्लांट्स लगाकर प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेचेंगी तो उन्हें 35% से ज्यादा टैक्स देना होगा। तो ट्रंप ने सख्त कदम उठाने के साफ संकेत दे दिए हैं। ट्रंप के इन फैसलों से जहां अमेरिकी कंपनियों खासकर टेक्नोलॉजी जगत पर इसका खासा असर पड़ेगा, तो वहीं मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी प्रभावित होगा, क्योंकि कई अमेरिकी ट्रक कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप के इस मिजाज से संभव है कि वो अपनी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दें। देखते रहिए DB Live।